हेयरफॉल इन मानसून सीजन इज़ वेरी कॉमन, लेकिन डरने की बात नहीं है, मैं हूं ना। तो इस वीडियो में बताऊंगा 7 ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशन टू रिड्यूस हेयर फॉल इन मानसून सीजन। अब इस वीडियो में आपको अपने बालों में अंडा, दही या कोई हेयर मास्क लगाना नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये 100 में से सिर्फ 5% लोग ही करते हैं, बल्कि ये वीडियो 95% लोगों के लिए है जो ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं और ऐसे चुटकियों में सोल्यूशन चाहते हैं। थैंक यू। एंड बिलीव मी भाई, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो इस वीडियो को देखने के बाद आप नहीं कर सकते हो। तो वीडियो एंड तक देखना, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई सबसे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और जिससे मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं और आपको फ्यूचर में मेरी सारी वीडियोस की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल करके बटन को दबा दो, सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। भाई सबसे पहली टिप है अवॉइड हैंगिंग आउट इन रेनफॉल। तो भाई बारिश का मौसम है और बारिश में लोगों को भीगना बहुत पसंद है, लेकिन इस बारिश में भीगना आपको महंगा पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है कि जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे ज़रूर आती है, और आपको पता ही होगा कि इस टाइम पे पोल्यूशन कितना ज़्यादा है। तो जितनी भी डर्ट और स्मोक है वो ऊपर जाती है, और वो जब बारिश होती है तो उसी पानी के साथ नीचे आती है। तो इमेजिन करो आप बारिश में भीग रहे हो और जितनी भी डर्ट है और स्मोक है जो बारिश के पानी के साथ नीचे आ रही है वो डायरेक्टली आपके बालों में और स्कैल्प पे पड़ रही है, तो ऑब्वियस है कि वो आपकी स्कैल्प को डैमेज करेगी। तो अभी से डिसाइड कर लो कि आपको बारिश में नहीं भीगना है। और अगर मान लो कि आप ना चाहते हुए भी बारिश में भीग गए हो तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए आते हैं सेकंड सॉल्यूशन पे। तो सेकंड सॉल्यूशन है यूज शैम्पू एवरी अल्टरनेट डेज। अब भाई बारिश का मौसम है तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, जिससे आपकी स्कैल्प जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है, और मान लो आप जब भी बाहर घूमने या टहलने निकलते हो तो उस पर आपकी स्कैल्प पे जो बहुत ज़्यादा स्टिकी है उस पर डर्ट और इम्प्योरिटीज़ चिपकने लगती हैं। और मान लो अगर आप बाइक भी चलाते हो तो हेलमेट से आपको पता है कितना पसीना आता है, जिससे आपकी स्कैल्प पे और ज़्यादा मॉइस्चर एक्यूमुलेट होने लगता है और आपके बाल और ज़्यादा टूटने लगते हैं। तो भाई इस डर्ट और इम्प्योरिटीज़ को बालों से साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप हफ्ते में 2 बार शैम्पू करते हो तो इसकी बजाय आप हफ्ते में हर एक दिन छोड़ के शैम्पू करना शुरू कर दो, हर अल्टरनेट डेज पे शैम्पू करो, जिससे आपके स्कैल्प से सारी डर्ट और इम्प्योरिटीज़ निकल जाएगी और आपकी स्कैल्प हेल्दी रहेगी और आपके बाल भी टूटना कम हो जाएंगे। अब थर्ड सोल्यूशन है लेट योर हेयर ड्राई कम्प्लीटली। अब आपने शैम्पू कर लिया, और सबसे ज़्यादा लोग गलती ये करते हैं कि शैम्पू करने के तुरंत बाद गीले बालों पे ही ऑयल लगाना शुरू कर देते हैं या कोई और हेयर प्रोडक्ट लगाना शुरू कर देते हैं। तो भाई उससे आपके बाल और ज़्यादा गीले हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं और मॉइस्ट हो जाते हैं, जिससे होता क्या है कि आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ होना शुरू हो जाते हैं और आपके स्कैल्प पे इचिंग भी हो सकती है। तो भाई पहले बालों को अच्छी तरह से सुखा लो, फिर उस पर कोई हेयर प्रोडक्ट या ऑयल अप्लाई करो। याद रखो जब आपके बाल पूरी तरह से सूख जाएं तभी उनको कॉम करना है या अपने बालों को सेट करना है, और उसके बाद ही कोई हेयर प्रोडक्ट या ऑयल लगाना है, क्योंकि अगर आपके बाल गीले रहेंगे तो उसके टूटने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए जब आप शैम्पू करते हो तभी आपके बाल सबसे ज़्यादा टूटते हैं, क्योंकि वो गीले होते हैं। तो भाई चौथा सोल्यूशन है मॉइस्चराइज योर स्कैल्प। अब बरसात का मौसम है तो लोगों को लगता है कि ऑलरेडी इतना मॉइस्चर है तो उनके बालों में और मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सोच गलत है, बल्कि आपको अपने बालों को टाइम टाइम से मॉइस्चराइज करना चाहिए, उस पर ऑयल अप्लाई करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और डैंड्रफ होने लगेगा, तो बल्कि आपको इसको मॉइस्चराइज करना है टाइम टाइम से, जिससे आपकी स्कैल्प हेल्दी रहे। तो भाई कुछ लोग करते क्या है, वो रात में अपने बालों पर ऑयल अप्लाई करते हैं और रात भर उसको अपने बालों पर ही रहने देते हैं और सुबह उठ के वॉश कर देते हैं, और कुछ लोग अपने बालों को धुलने के तुरंत बाद ही उन पर ऑयल अप्लाई कर लेते हैं। तो भाई ये दोनों ही चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, बल्कि इसके बजाय आपको करना क्या है, आपको अपने बालों पे शैम्पू करने से 25-30 मिनट पहले ऑयल अप्लाई करना है और अच्छे से मसाज करना है, और अगर हो सके तो ऑयल को थोड़ा सा वार्म कर लीजिए, जिससे आप जब स्कैल्प पे मसाज करेंगे तो आपके स्कैल्प की पोर्स थोड़ी सी खुल जाएंगी और अच्छे से बाल मॉइस्चराइज हो सकेंगे, और फिर 25-30 मिनट बाद उसको शैम्पू से वॉश कर दीजिए, और हो सके तो कंडीशनर भी कर लीजिए। और याद रखिए आपको हफ्ते में 2 बार ही कंडीशनर यूज़ करना है और हर अल्टरनेट डेज पे शैम्पू और ऑयलिंग करनी है बालों पे। तो फिर सॉल्यूशन है क्लीन योर हेलमेट। अब भाई पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही जो लोग हेलमेट नहीं पहनते और उनका पकड़ पकड़ के चालान किया जा रहा है। अब भाई आप बाइक चलाना नहीं छोड़ सकते हो, ना ही आप हेलमेट पहनना छोड़ सकते हो, तो आपको हेलमेट तो पहनना ही पहनना है, लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हो, अगर आप जो चीज़ रोज़ पहन रहे हो तो उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 90% लोग अपने हेलमेट को क्लीन नहीं करते होंगे। तो भाई सबसे पहले अपने हेलमेट को लो और उसे ऐसे करके स्मेल करो। तो भाई ये स्मेल है किस चीज़ की, और कुछ नहीं, ये बल्कि हमारा स्वेट है और हम लोग के हेयर प्रोडक्ट्स और ऑयल वगैरह हैं जो हम लोग अपने हेयर पे अप्लाई करते हैं,
और ये सारी ही चीज़ें हम लोग के हेयर और स्कैल्प पे जाके एक्यूमुलेट हो जाती हैं और बैक्टीरिया डेवलप करती हैं, जिससे श्योरली आपकी स्कैल्प डैमेज होगी और आपके बाल टूटेंगे, जो गारंटीड है। और मान लो अगर आपके पापा और आपके भाई भी सेम हेलमेट यूज़ करते हैं तो भाई उनको भी सेम प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी भी स्कैल्प डैमेज हो सकती है और बाल टूट सकते हैं। तो भाई हर 15 से 20 दिन में अपने हेलमेट को क्लीन करो, वॉश करो और उसको धूप में अच्छे से सुखा लो, जिससे सारे बैक्टीरियाज किल हो जाएंगे और जर्म्स भी मर जाएंगे और आपके बाल टूटना बंद हो जाएंगे। और अगर आपको नहीं पता है कि अपने हेलमेट को कैसे वॉश करना है और क्लीन करना है तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दो, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो भाई 6 सॉल्यूशन है, इंक्रीज प्रोटीन इनटेक इन योर डाइट। अब भाई ये कोई नई बात नहीं है कि बालों के लिए प्रोटीन कितना ज़रूरी होता है या प्रोटीन कितना ज़रूरी होता है हम लोग की ओवरऑल बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन हम ये सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं। तो भाई आपकी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए ये पता लगाने का एक बहुत आसान सा तरीका है। सबसे पहले आपको अपना वेट मेजर करना है, और अगर आपका वेट 60 किलो है या 60 केजी है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और अगर आप वर्कआउट करते हो तो एग्जैक्टली उसका डबल, अगर आपका वेट 60 किलो है तो आपको 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो भाई आपको पता है कि डाइट आपके बालों के लिए और आपकी बॉडी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आपको कैसे भी करके अपनी बॉडी की मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। अगर आप वेगन हो तो आप दाल, सोयाबीन, सीड्स और पनीर खा सकते हो, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फिश या एग खा सकते हो। एक ऐसा प्रोटीन रिच फूड अपने डाइट में हर एक मील में इंक्लूड कर लो जो आप रेगुलर बेसिस पे खा सकते हो, जिससे आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट की डिमांड फुलफिल हो सके। 7 सॉल्यूशन है, विजिट योर डॉक्टर। अब ये लास्ट पॉइंट है लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डॉक्टर के पास जाना कब है। अब ये पता करने का बहुत आसान सा तरीका है, आपको पहले पता करना है कि हेयर फॉल और हेयर लॉस में डिफरेंस क्या है। भाई सबसे पहले हेयर फॉल की बात करते हैं। अब हेयर फॉल मानसून सीजन है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। अगर आपके 50 से 60 बाल रोज़ टूट रहे हैं तो वो फिर से निकल आएंगे, तो आपको डरने की ज़रूरत ज़रा सी भी नहीं है। लेकिन मानसून सीजन के बाद भी अगर आपके बाल टूट रहे हैं रेगुलर बेसिस पे और वो फिर से रीग्रो नहीं कर रहे हैं तो उसे हेयर लॉस कहेंगे, लेकिन उसमें आपको डरने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बाल टूट रहे हैं और रीग्रो कर रहे हैं, फिर से निकल रहे हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके बाल सिर्फ टूट रहे हैं और फिर से नहीं निकल रहे हैं तो भाई डरने की ज़रूरत है। तो भाई इस सिचुएशन में आपको मेरा वीडियो कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा, बल्कि किसी भी यूट्यूबर का कोई भी वीडियो आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है। और अगर कोई यूट्यूबर कह रहा है कि 30 दिन में आपको रेगुलर अंडा या अनियन ऑयल लगाने से या बाकी चीज़ें लगाने से आपके हेयर जितने भी हैं वो रीग्रो कर जाएंगे, तो भाई वो झूठ बोल रहा है। तो अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है तो उसका सोल्यूशन आपको कोई यूट्यूबर नहीं दे पाएगा, बल्कि उसका सोल्यूशन आपको डॉक्टर से ही मिल सकता है। तो आप यूट्यूब पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है किसी अच्छे स्पेशलाइज हेयर केयर डॉक्टर को विजिट करें। मैंने जितने भी तरीके बताए थे वो हेयर फॉल के लिए थे, और अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है तो आपको एक अच्छे स्पेशलाइज डॉक्टर की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप किसी भी फैमिली मेंबर है, किसी भी फ्रेंड को हेयर फॉल प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो उसके साथ ये वीडियो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी और वीडियोज़ देखनी है, जैसे हाउ टू स्टाइल योर हेयर विदाउट अ हेयर ड्रायर और हाउ टू चूज द बेस्ट हेयर स्टाइल फॉर योर फेस शेप, तो उन दोनों वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए आपको और फ्यूचर में ऐसी वीडियोस की अपडेट्स चाहिए तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी फ्यूचर वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।